दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओडिशा पुलिस सिविल कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2018 के बारे में, यानी कि ओडिशा पुलिस के अंदर एक नई भर्ती आई है सिविल कांस्टेबल पदों के लिए। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट, पोस्ट नेम सिविल कांस्टेबल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1772 है, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि ये भर्ती स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आती है, जॉब लोकेशन ओडिशा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ओडिशा के अंदर होगी। वैसे आप भारत के किसी भी राज्य से इसमें आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहेगा। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दे दूंगा कि कैसे आप इसमें अप्लाई ऑफलाइन कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 जुलाई 2018, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 जुलाई 2018, यानी कि आपको अपना फॉर्म 2 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में ही भेजना होगा। फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस 6 अगस्त 2018। ऑफिशियल वेबसाइट www.odishapolice.gov.in। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल जानने के लिए आपको ये वीडियो पोस्ट करके देखना होगा और जानना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, अगर मैंने आपको एक एक करके बताया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को पोस्ट करके देख ले कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, जिनके पास 12वीं पास या उसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको ओडिया भाषा स्पीक, रीड और राइट यानी कि लिखनी भी आनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करने के योग्य हो गए। दोस्तों, अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 23 ईयर्स है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 से 23 साल के बीच में है वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹50 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट होगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर एजुकेशनल अचीवमेंट्स देखे जाएंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा और फिर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स देखे जाएंगे, फिर नेशनल कैडेट कोर्स सर्टिफिकेट देखा जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने ये सभी टेस्ट क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, एक बार फिर से इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी भर्ती के लिए उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स सबसे ज़रूरी होती है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट डेट है 2 जुलाई 2018, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 2 जुलाई 2018, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 26 जुलाई 2018 और एग्ज़ाम डेट है 6 अगस्त 2018। दोस्तों, अब जान लेते हैं आवेदन करने का तरीका। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.odishapolice.gov.in। इसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा और उसको रीड करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी सारी जानकारी भर देनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने को कहे गए हैं वो सारे अटैच कर देने हैं और अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अटैच कर देना है और एप्लीकेशन फ़ीस भी उसमें दे देनी है। लास्टली, आपको ये फॉर्म इस दिए गए हुए पते पर सेंड कर देना है इस आखिरी डेट से पहले। पता है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ओडिशा पुलिस, कटक, ओडिशा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल में। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अगर आपको इस वीडियो संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं।